वॉचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो समर के 10 ऐसे फूड और ड्रिंक जो आपको डेली कंज्यूम करने चाहिए वेट लॉस के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और अगर आप ये 10 फूड डेली खाएंगे तो आपकी पूरा दिन का जो हेल्दी डाइट है वो पूरी हो जाएगी। 10वें नंबर पर है मेलन्स, चाहे वो वाटर मेलन्स हो, मस्त मेलन हो, हनी ड्यू मेलन हो, इनका वाटर कॉन्टेंट बहुत हाई होता है, आपको हाइड्रेट रखेंगे, बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। और अगर डेली सर्विंग की बात करें तो आप आराम से 1 से 1.5 कप तक मेलन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और कैलोरीज आपको इससे मिलेगी 55 to 65 कैलोरीज अप्रॉक्स 1 सर्विंग की। तो मेलन ज़रूर खाएं ऑन अ डेली बेसिस। फ्रूट्स आई नो काफी डिफिकल्ट हो रहे हैं लोगों के लिए लेना, लेकिन हम 15 दिन के बेसिस पे ऑर्डर करते हैं, हम इतना फ्रूट कोशिश करते हैं लें, तो फ्रूट 1 सर्विंग ऑन अ डेली बेसिस अभी भी मैं ट्राई करती हूँ। दूसरे नंबर पर आते हैं स्प्राउट्स, पल्सेस एंड लिग्यूम्स, और उसमें भी आजकल जो मैं ले रही हूँ हर हफ्ते में अलग अलग स्प्राउट्स लेती हूँ, कभी मूंग दाल के स्प्राउट्स, कभी कभी मैं चने, काले चने का स्प्राउट्स लेती हूँ। डेली मेरा 1 सर्विंग लंच में, जस्ट अ हैंडफुल और 2 लंच के मेरे बोल में जाते ही जाते हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेंटिल या फिर लेग्यूम्स को जब आप स्प्राउट करके खाते हो तो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी तो बढ़ती ही है, साथ में उनके हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिशन भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें एज इट इज खाने के बदले आप हल्का सा कुक करके खाएंगे तो आपके लिए वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। आप इन सभी चीजों को स्प्राउट करके, आप ग्रेन्स को भी स्प्राउट करके खा सकते हैं। और सर्विंग की बात करें तो आप 1/4 to 1/2 कप ऑन अ डेली बेसिस ले सकते हैं, आपको इससे मिलेगी 90 to 130 अप्रॉक्स कैलोरीज। नेक्स्ट इज चिया सीड्स। तो चिया सीड्स समर्स में या तो आप चिया सीड ले सकते हैं या फिर बेजल सीड ले सकते हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी सिमिलर, तो इन दोनों चीजों में से अगर आप कोई भी एक लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। हेल्दी फैट होता है इसके अंदर, ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिलेगा, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है वो। तो चिया सीड्स है रिच इन ओमेगा 3 और 1.5 चम्मच इसकी सर्विंग है, ज्यादा कैलोरी में रिच नहीं है। ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है और फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। एनी ग्रेन अदर देन व्हीट, यानी गेहूं को छोड़ के दिन में 1 ग्रेन मैं जरूर लेती हूँ जो मेरी किसी मील में हो। 3 मील में मैं कभी भी गेहूं नहीं खाती हूँ, इट इज हैवी ऑन योर स्टमक, आपको लथार्जी बना सकता है। तो चाहे वो बार्ले हो यानी जौ, चाहे वो ओट्स हो या फिर मॉर्निंग में पोहा हो या फिर आफ्टरनून में राइस, तो गेहूं को छोड़ के कोई और ग्रेन दिन में 1 सर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रागी ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, राजगिरा जिसे एमरेंथ कहा जाता है वो पफ्ड करके उसका आटा ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किनुआ है लेकिन वो इस टाइम पे अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है और सब लोगों को उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाकी जो ग्रेन्स हैं और जितना हो सके होल ग्रेन के फॉर्म में इन्हें कंज्यूम करें रेदर देन आटा। अगर दिन में आप 1 बार होल ग्रेन खाएंगे, चाहे वो दलिया के फॉर्म में हो, स्टील कट ओट्स के फॉर्म में हो, आपके लिए वो बहुत हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट इज कोई भी सुपर ग्रीन पाउडर, और अगर आपने मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे का वीडियो देखा है तो मैं मॉर्निंग में अपना जो फास्ट है उसी फास्टिंग विंडो के अंदर बार्ले ग्रास या फिर व्हीट ग्रास का जूस ले रही हूँ, और अगर मैं वो जूस नहीं लेती कोई ना कोई सुपर ग्रीन मैं वैसे ही जरूर ड्रिंक करती हूँ, चाहे वो मोरिंगा हो या फिर स्पिरुलिना हो। ये इस टाइम पर आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेशली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको इनसे मिलेंगे, जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की आपको जरूरत है वो ये पूरा करेंगे। और ग्रीन जो भी होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, आपकी इम्यूनिटी को, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो दिस ग्रीन जूसेस आर वेरी लो इन कैलोरीज लेकिन इनके बेनिफिट्स, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है जो आपको हेल्प करेंगे अल्कलाइन करने में, इम्यूनिटी बूस्ट करने में और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। नेक्स्ट इज माई डिटॉक्स वाटर, और समर में पिछले 2 साल से मैं डेली डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, एंड डिटॉक्स वाटर इज सिंपली इन्फ्यूज्ड वाटर, कोई
उसके अंदर आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, कोई स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैंने मेरे दूसरे चैनल जो सिर्फ रेसिपीज का चैनल है वहां पर शेयर किया है, वहां से आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। सो गो डू ट्राई सम डिटॉक्स वाटर। सो डिटॉक्स वाटर की बहुत सारी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, चाहे वो कैरेट डिटॉक्स वाटर हो, क्यूकम्बर हो, चिया सीड्स हो, एप्पल साइडर विनेगर। सो डेली बेसिस पे आपको हाइड्रेट रखेंगे, आपके पानी का कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे। ये बहुत इजी है बनाने, आपके बॉडी के नेचुरल पीएच बैलेंस को बनाकर रखेंगे ये, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप खा सकते हैं, वो आपके लिए स्नैक का काम करेंगे। नेक्स्ट इज माय हर्बल टी, और मैं डेली अपनी हर्बल टी एंजॉय करती हूँ। कोई भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो होता ही है, साथ ही वो आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को एनहांस करते हैं, इजी करते हैं। सो आफ्टरनून के लंच के बाद जब मैं काम करने बैठती हूँ, इनफैक्ट आई एम हैविंग वन राइट नाउ, माई हर्बल टी, आई एंजॉय इट, आई थरली एंजॉय इट। सो हर्बल टी ऑन अ डेली बेसिस फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्रेविंग को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर को ये स्टेबलाइज करता है, तो क्रेविंग्स नहीं होती। आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। क्यूकम्बर अगेन इज वेरी हाई इन वाटर कॉन्टेंट, आपको हाइड्रेट रखेगा, साथ ही एक तरह के ग्रीन वेजिटेबल में आता है, कई लोग इसे फ्रूट भी मानते हैं, लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक में स्पेशली गर्मियों में इडली डोसा बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। दही या बटर मिल्क अगर आप लेंगे, यानी छाछ जिसे कहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। जो भी फर्मेंटेड फूड होता है वो आपके स्टमक के अंदर, आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करके गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, आपका गट इससे हेल्दी रहता है। फर्मेंटेड फूड बहुत ज्यादा है इंडियन कल्चर में। गर्मियों के वक्त आप कांची बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट ईयर शेयर की थी आपके साथ। एप्पल साइडर विनेगर भी एक तरह का फर्मेंटेड प्रोबायोटिक होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी गॉड वेजिटेबल होती हैं, घिया, तोरी, लौकी, टिंडा, परवल, जो कुंदरू आते हैं, एश गॉड जो आता है, पेठा, ये सारे गर्मियों में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, बहुत लो कैलोरीज होती हैं, लेकिन एक तरह की जीरो कैलोरी वेजिटेबल्स में काउंट किया जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी को इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उनसे कम एनर्जी इनके अंदर होती है, उनसे कम कैलोरीज इनके अंदर होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां मैं बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऑन अ डेली बेसिस शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।